हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 18 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज है पटन पटोला, मातानी पचड़ी और पिथौरा पेंटी को लेकर। क्यों ये न्यूज में है? दोस्तों, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर बाली में गए थे G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। वहां पर उन्होंने ये पटन पटोला जो स्कार्फ है, जो दुपट्टा है, ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर को दिया था, जॉर्जिया मेलोनी को। तो यूपीएससी जो भी कल्चरल है, जो भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीजें हैं वो जरूर पूछती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने मातानी पचड़ी दी है यूके के पीएम को, ऋषि सुनक को, और पिथोरा ट्राइबल फोक आर्ट जो दिया है वो ऑस्ट्रेलियन पीएम को दिया है। अब ये पटन पटोला क्या है? दरअसल ये कैसा कपड़ा होता है कि ये एक पर्टिकुलर फैमिली, साल्वी फैमिली ऑफ नॉर्थ गुजरात, जैसे ये पाटन है गुजरात का जो रीजन है, वहां पे ये साल्वी फैमिली इस पूरे सिल्क को बनाती है। और ये जिस तरीके से बनाते हैं ये बहुत ही हिस्टोरिकल 11th सेंचुरी से चलता आ रहा है, और इसे प्योर सिल्क से बनाया जाता है। इसमें दोनों ओर मोटिफ लगाए जाते हैं, और इसके जो डाइंग की जो टेक्निक है वो भी डिफिकल्ट होती है, और इसे बांधनी भी बोला जाता है। तो इस यूनिकनेस की वजह से इसकी जो प्राइस बहुत ज्यादा होती है, 80,000 से 1 लाख तक का मिलता है ये एक दुपट्टा। और इसके हिस्टोरिकल है कि जो आपने अजंता में जो पेंटिंग देखी है उसमें जो चित्र में जो कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं वो पाटन पटोला का ही बताया जाता है, तो इसलिए इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद मातानी पचड़ी है, ये टेक्सटाइल भी गुजरात की है जो कि टेम्पल्स में चढ़ाई जाती है। उसके बाद पिथौरा पेंटिंग, ये छोटा उदयपुर गुजरात की है, और इसे ट्राइबल्स लोग बनाते थे। और कौन सी कम्युनिटी होती थी? राठवा, भील, भिलाला ट्राइब्स, ये पिथौरा पेंटिंग इन ट्राइब्स की होती थी। तो हमें ये पटन पटोला, मातानी पचड़ी और पिथौरा पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में है और पीएम ने खुद दूसरे देशों के पीएम को दी है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज पेंशन स्कीम को लेकर है। दरअसल आपने देखा होगा हर स्टेट में एक ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार उठ रही है, और जो गवर्नमेंट अभी जो पेंशन स्कीम रन कर रही है उसे नेशनल पेंशन स्कीम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में बिल्कुल नहीं था, उसे अपनी तरफ से कुछ देना नहीं होता था, जो भी देती थी गवर्नमेंट अपनी साइड से देती थी। पर अब जब नेशनल पेंशन स्कीम आई है तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी सैलरी का 10% जो बेसिक प्ले प्लस डीए होता है उसका जो 10% होता है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट आपको करना होता है एम्प्लॉय को भी। और इसके अंदर पेंशन गारंटी जो मिलती है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी, बट न्यू पेंशन स्कीम में कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अगर अमाउंट देखा पेंशन कितना अमाउंट मिलता था, तो जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, पर यहाँ पे पेंशन का कोई कॉलम ही नहीं है तो यहाँ पे एप्लीकेबल होता नहीं है। उसके बाद डियरनेस रिलीफ, जो महंगाई बढ़ती है उसमें आपको रिलीफ दिया जाता है, तो हाँ उसमें दिया जाता है, बट इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर टोटली ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट पर ज्यादा बोझ आता है इस पे ओल्ड पेंशन स्कीम, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 से इसे बंद कर दिया था। बट हो क्या रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में ये प्रॉमिस कर रही है कि हम पार्टी में आते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, जैसे राजस्थान में हुआ है। पर जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि ये बैड पॉलिटिक्स है और बैड इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इससे स्टेट का जो स्टेट के ऊपर जो भार होगा वो बढ़ जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलंटरी स्कीम है और एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है एक्चुअल में। तो इसे कौन रन करता है? इसे में एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये 2004 में लागू हुए थे, जनवरी 2004, इस सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। उसके बाद से जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जो बेनिफिट है वो डिसअलाउ कर दिए गए थे। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें 2004 से बंद है ये लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इनकम आपको प्रोवाइड करती है, मतलब जो आपकी पेंशन होगी, जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको हमेशा पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, इसलिए इसे लाइफ लॉन्ग इनकम बोला जाता है, जिसमें आपको आपकी सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। पर ये एक्सपेंडिचर जो बर्डन है वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय अपनी तरफ से नहीं करता है, इसीलिए ये सरकार को भारी पड़ रहा था। तो ये लगातार न्यूज में, तो यूपीएससी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस को लेकर 2022 की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? ये यूनाइटेड नेशन खुद जारी करता है, तो हमें इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसे हम डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है नवंबर 15 को। अगर 2022 की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के पास में है, उसके बाद इंडिया के पास में है, पर 2050 तक इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री होगी, उसके बाद चाइना होगी, उसके बाद यूएसए होगी। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अभी जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो स्लोएस्ट रेट पे कर रही है, क्योंकि 2020 के बाद में ये 1% से भी कम इसकी ग्रोथ रेट है। और ये 2030 में जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी वो 8.5 बिलियन हो जाएगी, और 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक। और कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड तंजानिया, तो जो भी ग्रोथ होगी हमारी पॉपुलेशन में 50% इन्हीं 8 देशों से आने वाला है। इंडिया के बारे में ये बताती है कि ये चाइना को ओवरटेक कर लेगा, कब? 2023 में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम चाइना को पीछे कर देंगे। हालांकि अच्छी बात नहीं है,
हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, पर अभी हमें इस पीरियड का फायदा उठाना चाहिए। किसे? क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है 28.7 ईयर्स ही है, जबकि ये 38 ईयर्स है फॉर चाइना एंड 48 ईयर्स फॉर जापान। मतलब जापान की जो पॉपुलेशन है काफी बूढ़ी होती जा रही है, और चाइना भी उसके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा जितना ले सकता था ले चुका, पर इंडिया के पास में अभी भी मौका है। पर अगर हमने अभी हमारे पॉपुलेशन को स्किल नहीं किया, हमारी जो वर्किंग एज को अभी हमने स्किल नहीं दिया, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक बर्डन साबित हो जाएगा। तो 2030 तक का टाइम है, तब तक हम वर्ल्ड के यंगेस्ट पॉपुलेशन में आएंगे, और इसी को डेमोग्राफिक विंडो अपॉर्चुनिटी बोला जाता है, यूथ बल्ज। तो हमें जल्दी से जल्दी हमें हमारे जो यूथ है इन्हें स्किल करके इन्हें जॉब पे डालना होगा, ताकि जब हमारे पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी तो एटलीस्ट उनको हम फाइनेंशियल और हेल्थ की सिक्योरिटी दे पाए। अगर हम 2022 के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट की बात करें, तो 27th एडिशन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एस्टिमेट का, जिसका इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो कि यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है वो प्रिपेयर करती है। तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। आइए हमारी डिजिटल शक्ति 4.0 को लेकर है। दरअसल डिजिटल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में यह होता है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें अवेयर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, जो ऑनलाइन हेरासमेंट होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, उससे उन्हें एम्पावर किया जा सके। तो ये जो स्कीम है कौन रन कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन रन कर रही है, किसके साथ मिलकर, साइबर पीस फाउंडेशन के साथ, और इसमें मेटा भी कंपनी इन्वॉल्व है, ताकि हमारा जो साइबर स्पेस है वो वुमन और गर्ल्स के लिए सेफ है और उन्हें डिजिटली स्किल बनाया जा सके। तो डिजिटल शक्ति स्कीम में क्या क्या होता है, एक तो डिजिटल लिटरेसी उनको देना होगी, उसके बाद उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, उन्हें सेफ्टी और प्राइवेसी टूल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, जो ऑनलाइन बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है वो बताया जाएगा, और कुछ प्रोटेक्शन मेजर के बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। तो ये इसके डिफरेंट डायमेंशन है। डिजिटल शक्ति कब लॉन्च हुआ था, ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ताकि जो वुमेन्स का जो डिजिटल पार्टिसिपेशन वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि अगर जब वुमेन सेफ फील नहीं करेगी साइबर स्पेस में तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। आज की जो मेन इकोनॉमिक है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो इंटरनेट से चल रही है। अगर हमें हमारी महिलाओं को LFPR बढ़ाना है, उन्हें और ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करवाना है, तो हमें उन्हें साइबर स्पेस में बिल्कुल फ्रीडम देनी होगी, उन्हें प्रोटेक्शन, उन्हें सेफ रखना होगा। तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना होगा कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती हैं और कैसे अपने बचाव में कुछ मेजर ले सकती हैं। अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमन की बात करें, तो ये स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 1992 में बनी थी, जो भी पॉलिसी रिलेटेड होती है वुमन्स के लिए वो इन्हीं यही रिकमेंड करती है। साइबर पीस फाउंडेशन एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलते हैं आगे। हमारी एग्रीनस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर ये 2023 का जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है। इसे जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये तीन प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये जारी करती है इस इंडेक्स को। तो अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें, तो 63 कंट्री में ये 8th पोजीशन पर आया है। मतलब हमने 2 प्लेस का फायदा लिया है। पहले हम 10वें पोजीशन थे, अब हम 8वें पोजीशन पर आए, तो हमने हमारी रैंकिंग इंप्रूव करी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एमिशन है वो लगातार लो है, और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम CCPI की बात करें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, तो ये 59 कंट्रीज और EU को मेजर करता है, और ये पूरी कंट्रीज मिला के 92% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन इन्हीं 59 कंट्री प्लस EU से होता है, इसीलिए ये इन्हीं लोगों की इंडेक्स जारी करती है। अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें, तो 40% इसके इंडेक्स में ग्रीन हाउस एमिशन के बारे में, कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 40% वेटेज इसका होता है, 20% होता है रिन्यूएबल एनर्जी, कि आपकी कंट्री में कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, और 20% एनर्जी यूज के बारे में, कि कितना इफेक्टिव आप एनर्जी को यूज करते हो, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में 20% आपकी क्लाइमेट पॉलिसी देखी जाती है, इसका मतलब कि आप अपनी कंट्री को लेकर क्लाइमेट को लेकर कितना सतर्क हैं, आप अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, उसमें इन्वायरमेंट को कितना फोकस रखते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर है। क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स? दरअसल यूरोपियन यूनियन लगा रहा है। इसे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। तो ये है क्या बेसिकली? दरअसल EU में, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश आते हैं, वो जब भी इंपोर्ट करेंगे तो उनमें एक प्रकार की ड्यूटी लगाई जाएगी, अगर उस प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ज्यादा यूज किया गया है, ज्यादा एमिट हुआ उस प्रोडक्ट की वजह से, ऐसे में उस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स बोला जा रहा है, ताकि एमिशन को कम से कम किया जा सके और डिस्करेज किया जा सके जो इसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। पर इंडिया ने, चाइना ने और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज वो इसका विरोध कर रही है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कब से आएगा? 2026 से इसकी लाने की संभावना है, और किस सेक्टर पर अप्लाई होगा? इलेक्ट्रिसिटी, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट। तो जितने भी 5 प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होंगे, तो उनमें ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा। पर इंडिया इससे खिलाफ है। इंडिया का ऐसा मानना है कि आपका ये यूनिलैटरल मेजर है, आपने कोई डिस्कशन करके ये स्टेप नहीं लिया है,
और इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा, एक तो इंडिया अपना एक्सपोर्ट का टोटल 17% यूरोपियन यूनियन को भेजता है, इसका मतलब बहुत बड़ा चंक है ये। और उसमें 6% एक्सपोर्ट जो होता है वो आयरन स्टील सेक्टर में होता है, एल्यूमिनियम होता है, और यहीं पे ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने वाला, तो इससे इंडिया को नुकसान होगा, इसलिए इंडिया इसके अगेंस्ट है। इंडिया के अलावा और भी दूसरी डेवलपिंग कंट्री है जैसे बेसिक कंट्री, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इन्होंने बोला है कि एक यूनिलेटरल मेजर है और ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस वर्ल्ड ट्रेड में आप नहीं कर सकते, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होगा और जो देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। उसके अलावा ये भी है, ये यूएन प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा मानना है क्या है, जो हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से बढ़ा है, डेवलप कंट्रीज की वजह से बढ़ा है, उन्होंने ज्यादा कार्बन गैस को इमिट किया था, तो उसका बदला आप हमसे कैसे ले सकते हो, हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं, हमें और एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये जो मेजर है यूरोपियन यूनियन का, ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो इसको आप हमारे एथिक्स के एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।